नमस्कार जी, आज हम बात करेंगे हमारे रेस्टोरेंट में टॉप 10 सेलिंग आइटम्स की। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टॉप 10 सेलिंग आइटम्स की महत्वता के बारे में जानकारी दूंगा। आपके आइटम में चाहे वो थाली एंड मोर सी स्कीम हो, कबाब जिन करीज कंपनी जगतपुरा हो या सोहाय हो, मैं आपको आज ये नहीं बताऊंगा कि आपके टॉप 10 सेलिंग आइटम्स कौन से हैं। वो आप बड़े आराम से अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर पेट पूजा से अपने मैनेजर्स और शेफ्स के साथ देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते आपने कौन से टॉप 10 सेलिंग आइटम्स बेचे, पिछले महीने आपके कौन से टॉप 10 सेलिंग आइटम्स थे और पिछले साल ये 10 आइटम कौन से थे या 15 आइटम या 20 आइटम जो टॉप हैं। मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा इन 10 आइटम्स की या इन 15 आइटम्स या इन 20 आइटम्स की महत्वता के बारे में। उससे पहले समझते हैं एक प्रिंसिपल, 80-20 परेटो रूल या 80-20 परेटोस प्रिंसिपल। परेटो साहब एक इटालियन विद्वान थे जिन्होंने 80-20 का ये प्रिंसिपल दुनिया को दिया। क्या होता है 80-20 रूल, आइए समझते हैं। और ये सिर्फ हमारे मेन्यू या टॉप 10 सेलिंग आइटम्स पे ही लागू नहीं होता, ये बहुत सारी चीज़ों पे लागू होता है। ठीक है, सब बहुत सारी चीज़ों में। कहते हैं कि हमारे मेन्यू में अगर 100 आइटम हैं तो उसमें से 20 आइटम वो होंगे जो हमें 80% रेवेन्यू बना के देंगे। अगर हमारे मेन्यू आइटम में 100 आइटम हैं तो उसमें से 20 टॉप आइटम वो होंगे जो हमारा 80% रेवेन्यू ला के देंगे। आपकी फूड कॉस्ट में आपके पास अगर 100 आइटम हैं, जैसे आटा, दाल, चावल, मक्खन, क्रीम एटसेट्रा, तो उन 100 आइटम्स में से 20 आइटम वो होंगे जो आपकी फूड कॉस्ट पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है साहब, तो 80-20 रूल ये कहता है कि 20% चीज़ें वो होती हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट या सबसे ज़्यादा असर डालती हैं हमारे किसी भी तरह की कैलकुलेशन पे। बाकी 80% चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल चलती रहती हैं। ठीक है साहब, तो आपका हमारा 20% धंधा, हमारा 20% रेवेन्यू हमारे टॉप 20 आइटम्स में से आता है अगर हमारे पास टोटल 100 आइटम है मेन्यू पे। अगर आपके पास 200 आइटम है मेन्यू पे तो 40 आइटम होंगे जिससे आपका 80% धंधा आएगा। और अगर आपके पास, सॉरी इस शोर के लिए, आज रोड पे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं पर ये वीडियो बनना ज़रूरी है, पर अगर आपके पास 50 आइटम है मेन्यू पे तो 10 आइटम, टॉप 10 आइटम वो होंगे जो आपका 80% रेवेन्यू आप लाके आपको देंगे। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है जानना कि हमारे वो टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 आइटम्स कौन से हैं जो ग्राहक को पसंद हैं, जो ग्राहक बार बार हमसे मंगवाते हैं या खाने आते हैं, और हमारा 80% से धंधा उन टॉप आइटम्स से आता है, 80% रेवेन्यू। तो अगर उन फूड आइटम्स का हम क्वालिटी का ध्यान रखें, अगर उन फूड आइटम्स को हम ज़्यादा अपसेल करें अपने ग्राहक को, क्योंकि वो लाजवाब हैं, लजीज हैं, इसीलिए ग्राहक वापस आ रहे हैं उनको खाने, अगर उन फूड आइटम्स को हमारी टीम जानती हो कि भैया ये 10, ये 15, ये 20 वो आइटम हैं जो शानदार हैं, मज़ेदार हैं, ग्राहक इनको लेने वापस ज़रूर आएगा, वापस ज़रूर खाने आएगा, तो हमारी आधी जंग हम जीत लेते हैं। उन टॉप आइटम से हमारा 80% धंधा हमें आता है। याद रखिएगा 80-20 परेटोज रूल, जो आप कहीं भी गूगल पे इस 80-20 रूल के बारे में और पढ़ सकते हैं। हमारा 80% धंधा हमारे 20% आइटम ला के देते हैं। हमारी 80% फूड कॉस्ट 20% इंग्रेडिएंट्स या सामग्री से कंट्रोल हो सकती है। आप कुछ भी कर लें, मतलब हर ज़िंदगी में हर चीज़ में 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करता है। इसलिए हमें जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारे टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 आइटम्स कौन से हैं जो हमारा पूरा धंधा हमें करके देते हैं। ठीक है साहब, हमारी टीम को मालूम होना चाहिए, हमारे शेफ्स को मालूम होना चाहिए। हमारी टीम को क्यों? सर्वर्स को, जिससे कि वो उसको बेच सकें। हमारे काउंटर एग्जीक्यूटिव क्यों? जिससे कि वो उसको प्रमोट कर सकें। हमारे शेफ्स को क्यों? क्योंकि वो उन 10, 15, 20 आइटम का खास 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 ध्यान रख सकें। बहुत ज़रूरी हैं वो टॉप 10, 20 आइटम्स। ठीक है जी, तो प्लीज़ अपने सिस्टम में हमेशा चेक करते रहें कि आपके पिछले हफ्ते, पिछले 15 दिन में, पिछले महीने में, पिछले 2 महीने में कौन से टॉप 10 आइटम्स थे, टॉप 15 आइटम्स थे या टॉप 20 आइटम्स थे। उन पर ध्यान दें, अपनी टीम को उन आइटम्स में, उन आइटम्स के बारे में ग्राहक को कैसे समझाना है उसके बारे में एक्सप्लेन करें कि आइटम्स जैसे मटका चिकन है या दाल बाटी चूरमा की थाली है, उसमें क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों वो इतना लाजवाब होता है, क्यों वो इतना लजीज होता है। अगर हर सर्वर, हर काउंटर एग्जीक्यूटिव ग्राहक को हमारे खास आइटम्स के बारे में इतने प्यार से, इतने प्रेम से, इतने बढ़िया तरीके से समझा पाएगा तो ये आइटम्स हमें हमारी सेल में और बढ़ोतरी करेंगे और हमें और ज़्यादा पॉपुलर बनाएंगे इस शहर में और देश के बाकी शहरों में भी। ठीक है जी, तो टॉप 10 टॉप सेलिंग आइटम्स का खास हम खास ध्यान रखें, उसके बारे में सभी टीम मेंबर्स को जानकारी होनी चाहिए
और उसमें से अगर कोई आइटम आपको खास पसंद है तो कभी भी ऑर्डर करके खा सकते हैं। ठीक है साहब, थैंक यू सो मच, और 80-20 परेटो रूल याद रखें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।